Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss prime number and composite number. Prime number. What is prime number? A number which has only two factors is called prime number. A number which has only two factor is called prime number. जो number का दो factor है वो number को prime number बोलते हैं. For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13 आर द प्राइम नंबर. तो अभी चेक करते क्या 2 का 2 फैक्टर है, क्या 3 का 2 फैक्टर है, क्या 5 का 2 फैक्टर है. फैक्टर्स ऑफ 2 तो कौन सा दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 2 मिलता है. सो दैट इज 1 × 2. और कोई दो नंबर है क्या जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 2 मिलता है क्या? नहीं है. सो दैट मीन्स द फैक्टर्स ऑफ 2 दैट इज 1 और 2. दैट मीन्स 2 इज ए प्राइम नंबर. देन फैक्टर्स ऑफ 3 का फैक्टर. तो फिर कौन सा दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 3 मिलता है? दैट इज 1 × 3. और कोई नंबर है क्या जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 3 मिलता है क्या? नहीं है. सो दैट मीन्स द फैक्टर्स ऑफ 3 दैट इज 1 और 3. तो 3 का कौन सा फैक्टर है? 1 और 3. तो 3 का दो फैक्टर है. दैट मीन्स 3 इज ए प्राइम नंबर. देन 11 फैक्टर्स ऑफ 11 तो कौन सा दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 11 मिलता है? दैट इज 1 × 11. और कोई दो नंबर है जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 11 मिलता है क्या? नहीं. सो दैट मीन्स 1 और 11 आर द फैक्टर्स ऑफ 11. तो 11 का दो फैक्टर है 1 और 11. सो दैट मीन्स 11 इज ए प्राइम नंबर. जो नंबर का दो फैक्टर है वो नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं. देन नेक्स्ट कम टू द कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर. ए नंबर व्हिच हैज मोर देन टू फैक्टर is called composite number.
ए नंबर व्हिच हैज मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जो नंबर का टू से ज़्यादा फैक्टर है वो नंबर को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, सपोज सिक्स इज ए कंपोजिट नंबर। तो फिर सिक्स का फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर्स ऑफ सिक्स, तो फिर कौन सा दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से सिक्स मिलता है, वन इंटू सिक्स, देन टू इंटू थ्री। और कोई दो नंबर है जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से सिक्स मिलता है क्या? नहीं। दैट मीन्स फैक्टर ऑफ सिक्स, फैक्टर ऑफ सिक्स यार वन टू थ्री सिक्स। तो फिर सिक्स का फैक्टर काउंट कीजिए, वन टू थ्री फोर, फोर फैक्टर है जो कि टू से ज़्यादा है। तो फिर सिक्स इज ए कंपोजिट नंबर। और एक एग्जांपल लेते हैं, एट, एट तो अभी एट का फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले एट का फैक्टर निकालते हैं। अगर टू एट का फैक्टर टू से ज़्यादा है तो फिर एट इज ए कंपोजिट नंबर। तो फिर कौन सा दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से एट मिलता है, वन इंटू एट, देन फोर टू जार एट। और कोई दो नंबर है जो दो नंबर का मल्टीप्लाई करने से एट मिलता है क्या? नहीं है। देन फैक्टर्स ऑफ एट, फैक्टर्स ऑफ एट यार वन टू फोर एंड एट। तो फिर एट का कितना फैक्टर है, वन टू थ्री फोर, फोर फैक्टर जो कि टू से ज़्यादा है। दैट मीन्स एट इज ए कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, ए नंबर व्हिच हैज ओनली टू फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जो नंबर का दो फैक्टर है वो नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। देन कंपोजिट नंबर, ए नंबर व्हिच हैज मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जो नंबर का टू से ज़्यादा फैक्टर है वो नंबर को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो अभी हम टेस्ट करते हैं। सपोज 15 इज ए नंबर, ये 15 नंबर कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 15 नंबर का फैक्टर निकालते हैं। सो 15 इक्वल टू 1 इंटू 15, देन 3 इंटू 5, 3 जर 15। तो फिर 15 का फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ 15, तो 15 का फैक्टर कौन सा नंबर है, 1, 3, 5, 15। तो 15 का कितना फैक्टर है काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, फोर फैक्टर है, तो फोर फैक्टर है। तो फिर ये जो 15 है वो प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर, क्योंकि 15 का जो फैक्टर है कितना है, 2 से ज़्यादा है। देन नेक्स्ट कम टू द फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री, कोई भी नंबर का कैसे आप फैक्टर ट्री ड्रॉ करेंगे? तो फॉर एग्जांपल, एटीन का फैक्टर ट्री ड्रॉ करेंगे।
तो फिर कौन सा दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 18 होता है? तो आपको याद रखना होगा, एक प्राइम नंबर लीजिए और एक कॉम्पोजिट नंबर लीजिए। सो 18 सो दैट इज कॉल टू 1 × 18, बाद में 2 9 = 18, 6 3 = 18। तो फिर यहाँ पे देखिए 1 and 18, 2 × 9 दैट इज कॉल टू 18, 6 × 3 दैट इज कॉल टू 18। तो फिर मैंने 2 × 9 लिया, क्योंकि 2 एक क्या है जो कि एक प्राइम नंबर है, 9 जो कि एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो यहाँ पे 3 एक प्राइम नंबर है और 6 एक कॉम्पोजिट, मैंने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर लिया। सो 18 दैट इज कॉल टू 2 × 9। तो फिर तो अभी 2 जो क्या है एक प्राइम नंबर है, तो 2 को अभी 2 का अभी फैक्टर मत लिखिए। तो 9 क्या है कॉम्पोजिट नंबर, तो 9 का फैक्टर लिखिए। सो 9 इक्वल टू 3 × 3। तो अभी देखिए 2 3 3 ये क्या है प्राइम नंबर है। जब तक प्राइम नंबर नहीं आएगा तब तक वो नंबर का क्या करना, फैक्टर लिखते जाना। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 30 का फैक्टर ट्री ड्रॉ करना है। तो फिर कौन सा दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 30 आता है? 1 × 30 देन 15 2 = 30, 10 3 = 30। और कोई दो नंबर है जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 30 आता है क्या? नहीं है। तो फिर आपको क्या करना, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और एक कॉम्पोजिट नंबर लेना। तो यहाँ पे देखिए 2 is a prime number and 15 is a composite number, 3 is a prime number and 10 is a composite। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2, और मैंने 15, ये दोनों को लिया। सो 2 × 15, 2 15 = 30, 2 और 15 को दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना होता है? 30 होता है। बाद में 2 क्या है, ये प्राइम नंबर है, तो अभी 2 का फैक्टर मत लिखना। तो 15 क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो एक कॉम्पोजिट नंबर का फैक्टर लिखना। सो 15 इक्वल टू 3 × 5, 3 5 = 15। तो अभी देखिए 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 का ओनली 2 फैक्टर है। 5 क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 का ओनली 2 फैक्टर है। तो अभी क्या करना, अभी जो प्राइम नंबर मिलने के बाद आपको स्टॉप करना, बाद में जो प्राइम नंबर मिलने के बाद प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं लिखना। सो 30 दैट इज कॉल 2 × 15, 15 दैट इज 3 × 5। इसी तरह आप कोई भी नंबर का फैक्टर ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मेक फैक्टर ट्री एज पर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के अनुसार आप यहाँ पे जो नंबर दिया गया वो नंबर का फैक्टर ट्री बताना होगा। 24 दैट इज कॉल टू 4 × 6, देन 4 दैट इज 2 × 2, देन 6 द फैक्टर ऑफ 6 दैट इज 2 × 3। तो 18 द फैक्टर ऑफ 18 दैट इज 2 9 = 18। 2 क्या है, ये प्राइम नंबर, तो फिर अभी ये प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं लिखना। 9 क्या है, ये कॉम्पोजिट नंबर, 9 का फैक्टर लिखना। सो 9
दैट इज इक्वल टू 3 × 3, 3 × 3 = 9। 3 क्या है, जो कि प्राइम नंबर। तो अभी प्राइम नंबर के आने के बाद अभी उनका फैक्टर नहीं लिखना। देन 28, सो 2 × 14 = 28, 2 × 14 = 28। 2 क्या है, प्राइम नंबर। तो अभी ये प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं लिखना। सो 14 क्या है, ये कॉम्पोजिट नंबर। तो ये कॉम्पोजिट नंबर का फैक्टर लिखना। सो 14 दैट इज इक्वल टू 2 × 7 = 14। तो अभी 7 क्या है, ये प्राइम नंबर है। 2 क्या है, प्राइम नंबर है। तो अभी ये नंबर का फैक्टर नहीं लिखना। तो आपको जब तक प्राइम नंबर नहीं मिलेगा तब तक आपको ऐसे ही फैक्टर लिखते रहना। देन 32, 32 दैट इज 2 × 16। तो 2 क्या है, प्राइम नंबर। तो अभी प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं लिखना। 16 क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर। तो फिर कॉम्पोजिट नंबर आ प्राइम कॉम्पोजिट नंबर का फैक्टर लिखना। सो 16 दैट इज 2 × 8 = 16, 2 × 8। देन 2 क्या है, प्राइम नंबर। 8 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर का फैक्टर लिखना। सो 8 दैट इज 2 × 4 = 8। 4 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो फिर कॉम्पोजिट नंबर का फैक्टर लिखना, 2 × 2, 2 × 2 = 4। तो जब तक प्राइम नंबर नहीं आएगा तब तक आपको ऐसे ही पर नंबर का फैक्टर लिखते रहना। देन 50, सो दैट इज इक्वल टू 2 × 25। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। देन 25 एक कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर का फैक्टर लिखना। सो 25, सो दैट इज 5 × 5। तो 5 क्या है, ये प्राइम नंबर है। तो फिर अभी ये प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं लिखना। देन 72, हाफ ऑफ 72 दैट इज इक्वल टू 36। सो 2 × 36, 2 इज ए प्राइम नंबर, 36 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर का फैक्टर लिखना। सो 36, सो दैट इज 2 × 18, 18 × 2 = 36। देन 2 इज ए प्राइम नंबर, 18 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। तो 18 कॉम्पोजिट नंबर का फैक्टर लिखना, 2 × 9, 2 × 9 = 18। 2 इज ए प्राइम नंबर, 9 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। तो फिर 9 का ये जो कॉम्पोजिट नंबर का फैक्टर लिखना, दैट इज 3 × 3, 3 × 3 = 9। अभी 3 क्या है, प्राइम नंबर है। तो अभी ये प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं लिखना। देन 99, सो 99 इज इक्वल टू 3 × 33। 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है।
तो 33 क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो एक कॉम्पोजिट नंबर का फैक्टर लिखना, सो 33 दैट इज इक्वल टू 3 × 11, 3 × 11 दैट इज इक्वल टू 33, तो 3 क्या है प्राइम नंबर है, 11 क्या है प्राइम नंबर है, तो फिर प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं लिखना। देन क्वेश्चन नंबर 7, 80, 80 दैट इज इक्वल टू 2 × 40, 2 इज ए प्राइम नंबर, 40 इज ए कॉम्पोजिट नंबर, तो एक कॉम्पोजिट नंबर का फैक्टर लिखना, सो 40 दैट इज इक्वल टू 2 × 20, 20 क्या है कॉम्पोजिट नंबर है, 2 क्या है प्राइम नंबर है, तो कॉम्पोजिट नंबर का फैक्टर लिखना 2 × 10, 10 क्या है कॉम्पोजिट नंबर, एक कॉम्पोजिट नंबर का फैक्टर लिखना 2 × 5, 2 × 5 = 10, तभी 2 प्राइम नंबर है, 5 क्या है प्राइम नंबर है, तभी ये प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं लिखना।